आज हम लोग चैप्टर टू बहुपद क्लास टेन चैप्टर टू बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर एक का चौथा से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। पहले प्रश्न में था शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार मैं और इसको अच्छी तरह से गुणनखंड करके बताता हूँ। देखिए, इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2 × 2 और u के घात 2 है, तो मतलब 2 बार लिखेंगे u × u प्लस इस 8 को कर सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 गुणे यू हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या उभयनिष्ठ है दोनों में। तो ये 2 और 2, 2 और 2, ठीक ना। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, तो ये 4 उभयनिष्ठ हो गया। और इसमें यू भी है, यू भी दोनों तरफ है, तो यहाँ यू भी बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ एक यू बच गया प्लस यहाँ एक 2 बच गया, ठीक ना। तो इसका ये इस बहुपद का ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें इसके शून्यकों का मान ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड आया उसको 0 से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यदि 4u = 0 या u + 2 = 0, तो u बराबर आ जाएगा 0/4। ये 4 नीचे पक्षांतर हो गया, तो 0 के बटे कुछ भी पक्ष हो इसका मान 0 ही आता है। या u बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो -2। तो देखिए 2 शून्य ज्ञात हो गया, अतः -0 और -2 हो गया। अब शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको देखते हैं, लिखते हैं शून्यकों का योग। तो योगफल में जो शून्य हमें प्राप्त हुआ है उसका योग कर लेते हैं। 0 + -2 = ये -2 ही आ गया, ठीक ना। फिर यहाँ एक बराबर करके यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला कल मैंने बताया था, यक्स माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसी पर हम मान देख के लिखेंगे। तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस लगा लिए। यक्स का गुणांक कौन सा है, अच्छा यू में है, तो यहाँ यू लिख लेते हैं, ठीक ना। जो भी चर हो उसी में लिखेंगे। तो लिखेंगे यू का गुणांक और यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक लिख लेंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं यू का गुणांक क्या है। इसमें यू गुणांक 8 है, तो 8 लिख लिया। ये माइनस इसका था, बटे यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 4 × 1 = 4 × 8, तो 2 आएगा, -2 आएगा, तो -2 ये आ गया, ठीक ना। फिर इसके बाद गुणनफल देखते हैं। तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्य प्राप्त हुआ इसको गुणा कर लेते हैं, 0 × -2 = ये 0 ही प्राप्त हो जाएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है बराबर। अब यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं, ये होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो अचर पद देखते हैं इसमें, तो इसमें देखिए कोई अचर पद नहीं है, ठीक ना। अचर पद यहाँ पर नहीं है मतलब 0 है, तो ये 0 लिख लिया, बटे यक्स स्क्वायर गुणांक 4, तो 0 के बटे कुछ भी हो उसका उत्तर 4 ही आता है, तो ये सॉरी 0 ही आता है, इसलिए ये बराबर हो गए, ठीक ना। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है t² - 15। इसका पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसको करेंगे t^2 लिख सकते हैं, t^2, इसको मैंने इसको लिख लिया, कोई फर्क नहीं हुआ। इस 15 को लिख सकते हैं कर्णी 15 का स्क्वायर कर लिया,
तो कर्णिक 15 का स्क्वायर, किसी भी कर्णिक 15 स्क्वायर करेंगे तो 15 बचेगा, ठीक ना। इसको हल करेंगे तो 15 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर कर्णिक 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आता है, तो इस 2 को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। इसी तरह 15 को कर्णिक 15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसमें सूत्र लगा लेंगे, तो इसमें सूत्र लगाएं, देखिए यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। तो इसका ये क्या होता है सूत्र, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई होता है, ठीक। तो हम भी इसको ऐसे करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे, तो टी प्लस करनी 15 और अगले कोष्टक में टी माइनस करनी 15, तो इसका ये गुणनखंड हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसको जीरो से तुलना कर लेते हैं। यदि टी प्लस करनी 15 बराबर 0 या टी माइनस करनी 15 बराबर 0, तो टी बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस करनी 15 हो जाएगा, या टी बराबर करनी 15, ठीक। अब इसका जांच करते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, अतः शून्यक तो आ गया ये, अतः शून्यक बराबर माइनस करनी 15 एवं करनी 15। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो योग करेंगे तो इनको जोड़ लेते हैं, माइनस करनी 15 प्लस करनी 15, सेम चीज है, कट के जीरो हो जाएगा। बराबर इसके आगे फॉर्मूला लिख, टी चर में है तो यहां लिखेंगे टी का इसका गुणांक, टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहां मान रख लेते हैं, तो ये माइनस माइनस लगाया, टी का गुणांक क्या है, यहां टी है ही नहीं, तो टी का मतलब यहां जीरो है नहीं है, तो और टी स्क्वायर का यहां वन वन, तो ये इसको कुछ भी करेंगे तो जीरो का ही, जीरो ही आंसर आएगा। अब गुणनफल देख लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो गुणा कर लेते हैं, माइनस करनी 15 गुणे करनी 15, तो एक माइनस है तो एक माइनस, और करनी 15 करनी 15 15, ठीक ना। और यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो होता है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है, माइनस 15, तो माइनस 15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक, यहां पर ये वन है तो ये वन हो गया, तो देखिए माइनस 15 ही आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। एक अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फिर इसको हल करेंगे, इसका पहले गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए पहले 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 को, 12 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि यहाँ माइनस वन है ये, ठीक ना, ये माइनस वन है, वन की जरूरत नहीं लिखा जाता यहाँ पर। तो इसको करेंगे 4 तिहाई 12, तो 4 में 3 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, मगर अपने को माइनस वन चाहिए, तो इसको भी यही उलट लेते हैं, 3 माइनस 4 कर लेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को लेकर कर लेते हैं, यहां लिखते हैं 3x² ये है प्लस 3x माइनस 4x और ये माइनस 4, इनमें इनमें उभयनिष्ठ 3 3, और x x भी उभयनिष्ठ, तो x उभयनिष्ठ, तो यहां पे क्या बचा, एक x बच गया,
प्लस 3x पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस 4 कॉमन है, ओवेनिस्ट माइनस 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर x बचा, और चूंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस 1 बचेगा, ठीक ना। यहाँ 4 का 4 पूरा चला गया तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 होता है ना। तो ये हो गया, इन दोनों कोष्टक में सेम चीज़ आ गया तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और जो ये बगल के बचे किनारे किनारे इसको लिख लेते हैं अगले कोष्टक में। तो 3x माइनस 4, तो इस बहुपद का ये गुणनखंड हो गया। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 पक्षांतर किया तो प्लस 1 का माइनस 1, या 3x बराबर माइनस 4 को पक्षांतर किए तो 4, और 3 गुणे में है तो भाग में हो गया तो 4/3। अतः शून्य बराबर शून्य माइनस 1 एवं 4/3। अब सत्यता की जांच करते हैं तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या है, जो अपने पास शून्य प्राप्त हुआ उसका योग कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस 4/3। तो इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 4/3, 3 एकम 3 प्लस 4, माइनस 3 और प्लस 4 कितना जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1/3 बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, यक्ष चर में है तो लिखेंगे माइनस यक्ष का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हम लोग कई बार लिखे, आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो अब मान रखते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक देखिए क्या, ये यहाँ 1 होता है ठीक ना, तो ये माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस 1, ये माइनस इसका और x का गुणांक का माइनस 1 है, बटे में x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो 3 इसको ओपन करेंगे तो ये चीज आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, 1/3। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं जो शून्य प्राप्त हुआ है, माइनस 1 × 4/3, तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 4/3। अब इसका फॉर्मूला यहां भी लिख लेते हैं, ये होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो अचर पद इसमें क्या है, माइनस 4, तो माइनस 4/x² गुणांक कितना है 3। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के 6 भाग कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक ना, द्विघात बहुपद दिया है इसमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं, पहला इसमें लिखा है, पहला 1/4 और माइनस 1, ठीक ना, 1/4 और माइनस 1 ये दे रखा है, ठीक ना, ये दोनों शून्यकों का योगफल दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो लिखते हैं, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो लिखते हैं, माना एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं, ठीक। इसके दो शून्यक, चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक प्राप्त होंगे, तो दो अल्फा और बीटा हमने शून्यक ले लिया। अब देखिए शून्यकों का योगफल करते हैं, शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा किया, तो अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये होता क्या है,
पहले देख लेते हैं, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, और इसका मान कितना दिया है, 1/4। इसी प्रकार अल्फा गुणे बीटा कर लेते हैं, मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो होता है सी बाई ए, और इसमें कितना दिया है, -1। ठीक ना, यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में करना होगा, बस इसका आगे थोड़ा सा समझना है। ए का मान 4 दिया हुआ है, और ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक ना, बस इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, ए का मान अगर यहाँ 4 है, ए का मान यहाँ 6 है, तो क्या करेंगे, ए का मान 1 यहाँ है तो ऊपर वाले में 1 गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, यहाँ 1 है तो इस वाले में 1 गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो इसका गुणा कर लिया, अब यहाँ 1 का मान यहाँ 4 था तो यहाँ 4 गुणा कर लेंगे। ठीक ना, 1 का ही मान देखेंगे, 1 का मान यहाँ 1 है तो इस वाले में 1 गुणा ऊपर नीचे किया, 1 का मान यहाँ 4 है तो इस वाले में 4 का ऊपर नीचे गुणा किया। ठीक, बस पूरे क्वेश्चन में यही चीज़ ध्यान देना है, 1 एकम 1/4 एकम 4, 1 चौके 4 -4, 4 एकम 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a का मान 4 हो गया, हमको इसमें केवल a का मान बराबर करना होता है, a का मान 4 लिखेंगे, यदि a बराबर 4 तो b और c का मान क्या हो गया, b का मान 1, चूंकि ये माइनस है तो ये -1 हो जाएगा ये। ठीक ना, जो भी यहाँ मान होता है वो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो 1 है तो ये -1 हो गया, c है तो -4 है। ठीक, तो इस प्रकार हमको a b c का मान ज्ञात हो गया, और इसमें इस अभीष्ट बहु इसमें बहुपद में a b c का मान रख देंगे तो हमको अभीष्ट बहुपद ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद a 4x² b का मान -1 है -1x और c का मान -4, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती 1। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक ना, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखते हो, और 1/3, तो ये यही चीज लिखना है, तो लिखा हुआ है, देखिए अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ तक लिखना है, अल्फा गुणे बीटा सी बाई ये भी लिखना हुआ है। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हर क्वेश्चन में बस इतना लिखना ही होता है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, जो काम ये रहा ऐसे, ठीक ना, ये रहा। अब माइनस बी बाई ए, करनी 2 दिया हुआ है, करनी 2/1 लिख लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1/3 है तो यहाँ 1/3। ठीक ना, ये योगफल था और ये गुणनफल था। अब देखिए ए का मान यहाँ 1 है, ए का मान यहाँ 3 है, तो ए का मान 3 है तो यहाँ 3 गुणा कर लेते हैं, और यहाँ 1 का है तो 1 का गुणा करिए न करिए कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 1/3, और ये हो गया 3 करनी 2/3। तो अब देखिए ए का मान 3 आ गया, यदि a बराबर 3 तो b बराबर कितना हो गया, 3 करनी 2, और चूंकि ये माइनस है इसको ध्यान रखिएगा माइनस को, तो -3 करनी 2 हो गया, और c का मान 1 हो गया। अब इसको अभीष्ट बहुपद है तो इसमें वैल्यू रख देंगे, a b c का मान रख देते हैं, तो a का मान 3 तो 3x², b का मान -3 करनी 2 है -3 करनी 2x, और c का मान 1 है 1 हो गया, तो ये एक अभीष्ट बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, इसी तरह का है, 0 और करनी 5 दिया हुआ है, 0 करनी 5, तो सब कुछ यही रहेगा, 0 करनी 5, यहां से बस हटाना है हमको, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल 0, 0/1 लिख सकते हैं, और करनी 5 तो करनी 5/1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a का मान 1 और a का मान 1 सेम है, तो यहाँ पर कुछ गुणा नहीं करना है,
एक लिख दिया, और बी का मान तो माइनस जीरो या जीरो, ठीक ना, जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसलिए केवल बी का मान सिंपल जीरो बी लिख जीरो लिखेंगे, और सी का मान करनी 5। अब इसमें अब ए बी सी का मान रख देते हैं, तो ए का मान कितना है 1 x² और बी का मान 0x और सी का मान करनी 5। इस प्रकार ये एक्स स्क्वायर जीरो तो जीरो ही हट गया, प्लस करनी 5 आ गया, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा इसका आंसर भी मिला लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 का है, प्रश्न नंबर 3 x² प्लस करनी 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 चौथा देखते हैं आप, तो बस अपने को यही मिटाना है। प्रश्न नंबर 4 चौथा में दिया है 1 1 1 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 1 में यहाँ पर 1 हो गया, 1/1 हो गया, 1/1 हो गया, ठीक ना, योगफल गुणनफल सब दिया हुआ है, तो a का मान 1, b का मान -1, ठीक है, माइनस तो माइनस, c का मान 1, तो अभीष्ट बहुपद कितना हो जाएगा, मान रख देंगे a का मान 1x², b का मान -x और c का मान 1, तो इनके गुणांक अगर 1 हो तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x² - x + 1, ते उत्तर हो गया, ठीक। प्रश्न 5 -1/4 और 1/4, यहां पे इसको हटा लेते हैं, है तो यहां योगफल में है तो -1/4 लिख देते हैं, और ये 1/4 है तो ये 1/4 हो गया, ठीक। तो a का मान 4 और a का मान 4 सेम है, तो कहीं कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, a का मान 4 तो b का मान देखिए -1 है, यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक ना, ये दो माइनस कैंसिल हो जाएगा, c का मान 1, अब ये बहुपद में मान रख देते हैं, a का मान 4, 4x² b का मान 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +c 1, ठीक ना, यहाँ 1 लिखेंगे तो इसको गुणांक 1 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये अभीष्ट बहुपद ज्ञात हो गया। अगला एक अंतिम क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, इसमें लिखा है 4 और 1, ठीक ना, ये है 4 और 1, छठवां प्रश्न, 4 और 1, तो यहाँ लिखते हैं योगफल, ठीक ना, बहुपद ले लिया, 0 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 4/1, 1 नहीं है तो 1 लिख लिया, और ये 1/1, तो 1 का मान देखिए यहाँ भी 1 1 सेम है, तो कुछ नहीं गुणा करने की जरूरत है, a का मान 1, b का मान 4 है तो -4, c का है 1, तो अभीष्ट बहुपद क्या हो गया, ये हो जाएगा a का मान 1 है तो 1x² प्लस ये माइनस है, माइनस बी का मान यहाँ रख दे रहे हैं -4x और सी का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, ये 1 हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसका, x² - 4x + 1, तो ये अभीष्ट बहुपद ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार देखा चैप्टर 2 बहुपद के सभी प्रश्न हल हो गए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम 3 पार्ट से शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।